नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपने डपली अपना राग, मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर, 100 विधायकों के टिकट काटेगी बीजेपी। 2027 में भितरघाती विधायकों को लेकर एक्शन लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव में दिखी विधायकों की निष्क्रियता, ऐसे विधायकों का ब्यौरा तैयार किया गया है। बीजेपी की स्पेशल टीम की समीक्षा रिपोर्ट सामने आई है। यूपी बीजेपी की समीक्षा रिपोर्ट पर खबर, न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। प्रदेश नेतृत्व को समीक्षा रिपोर्ट सौंपी गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। ऐसे विधायकों का ब्यौरा यहां पर तैयार किया जा रहा है। 100 विधायकों के टिकट भारतीय जनता पार्टी काटेगी। संकेत मिश्रा इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, बीजेपी ने एक्शन की तैयारी कर ली है उन भितरघात करने वाले विधायकों पर कार्रवाई करने की। किन किन के नाम सामने आ रखे हैं ये तो अभी तक कॉन्फिडेंशियल रखा गया होगा, लेकिन बीजेपी ने एक स्पेशल टीम का भी गठन कर लिया है जो ये रिपोर्ट तैयार करेगी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से प्रदर्शन खराब रहा, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक 80 सदस्यीय 40 टीमों का गठन किया और वो 40 टीमें 80 लोकसभा की सीटों पर पहुंची और उन्होंने हर बिंदु पर पड़ताल की। उस टीम ने अपनी जो रिपोर्ट है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को सौंप दी है। अब उस टीम में जो तमाम जो रिपोर्ट तैयार हुई है उसमें तमाम तरह के बिंदु हैं। उनमें एक बड़ा बिंदु ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनके क्षेत्र में लोकसभा का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हारा है। कई जगह पर विधायकों ने मेहनत नहीं की, कई जगह पर विधायकों ने भितरघात किया और ये तमाम बयानबाजी लोकसभा चुनाव के बाद नतीजों के बाद सामने भी आई। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो ये रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को मिली है इसमें यह सामने आया है कि 100 से ज़्यादा जो विधायक हैं उन्होंने भितरघात किया है, लोकसभा के प्रत्याशियों को जिताने में कोई मजबूत सहयोग नहीं किया और लोकसभा चुनाव के दौरान वो ढीले ढाले रहे, यानी कि मेहनत से नहीं जुटे। तो ऐसे विधायकों पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सख्त है, इनकी बाकायदा सूची तैयार की जा रही है और जिनके क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है उनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के जो उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन है उसमें लेकर काफ़ी सख्त है शीर्ष नेतृत्व और ये वही शक्ति है भारतीय जनता पार्टी का जिसका असर कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। अगर वर्ष 2022 की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 80 से ज़्यादा विधायकों के टिकट काटे थे। अब भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में नए तरीके से ओवरहॉलिंग करेगी, उसमें चाहे वो संगठन हो, सरकार हो, जो सरकार में मंत्री हैं जिनके क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र में चुनाव भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हारा है वो तय मान ले कि उनका भविष्य और भारतीय जनता पार्टी में उनकी डगर आसान बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उसने तय कर लिया है, 100 से ज़्यादा ऐसे विधायक चिन्हित किए गए हैं जिनके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का प्रत्याशी चुनाव हारे हैं। उसमें एक बिंदु यह भी है, हालांकि कई जगह पर लोकसभा के प्रत्याशियों की अपनी छवि बहुत खराब थी इस वजह से वो चुनाव हारे, लेकिन विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जिनके क्षेत्रों में चुनाव हारी उनको लेकर पूरी सूची तैयार हो गई है और ये जो रिपोर्ट है ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के पास आ चुकी है। इसमें संगठन से लेकर जो विधायक हैं उन सभी की जो भूमिका है वो स्पष्ट हो चुकी है कि आखिर उनका क्या रोल रहा और ये रिपोर्ट अब पूरी तरीके से उस पर मंथन हो रहा है और जल्द ही ये भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें ये रिपोर्ट टेबल की जाएगी और वहां पर मजबूती से इस पक्ष को रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पार्टी में जो ऐसे भी कुछ नेता थे जिन्होंने अपने ही उम्मीदवारों को हराने का काम किया, जिसके कुछ उदाहरण हम देख भी चुके हैं, सामने भी आ चुके हैं और उन्हें लेकर बयानबाजी भी दोनों तरफ से देखने को मिली, तो कह सकते हैं कि ऐसे नेताओं पर भी एक्शन किया जाएगा जो लोग अपने ही उम्मीदवार के खिलाफ माहौल बना रहे थे। बिल्कुल, अब एक्शन का दौर शुरू होने वाला है। दरअसल केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत गंभीर है और जाहिर सी बात है कि जिन लोगों को पूरी सुविधाएं दी गई भारतीय जनता पार्टी में, जिनको विधायक बनाया गया, एमएलसी बनाया गया, जिनको जिम्मेदारियां दी गई, उन्होंने अपनी भूमिका का किस तरह से निर्वहन किया इसकी पूरी रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व के पास आ गई है। प्रदेश नेतृत्व इस रिपोर्ट को केंद्रीय नेतृत्व को भेजेगा और उसके बाद ये 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें ये तय माना जा रहा है कि 100 से ज़्यादा विधायकों के मौजूदा विधायकों के टिकट कटने तय हैं। वर्ष 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी ने 80
ही विधायकों के टिकट काटे थे। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व परफॉर्मेंस पर भरोसा करता है कि आखिर नतीजे किस तरीके से रहे। उन जो लोगों ने बेहतर काम किया उनको पार्टी नेतृत्व उनको बेहतर करेगा, और जिन लोगों का काम खराब रहा, और उसमें कई विधायक ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, इनके भी नाम है इस सूची में। ठीक है संकेत, आपने विस्तार से जानकारी दी। खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लोकसभा में आज भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग कर रहा था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाया और विपक्षी सांसदों के साथ मांग की कि इस मामले पर चर्चा की जाए। स्पीकर ओम बिरला ने जोर देकर कहा कि पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाए। विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा पहले 12 बजे तक फिर सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं, और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई थी, हमारी पार्टी संविधान का सम्मान कर रही है। उन्होंने कहा कि एक आतंकी के लिए कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। संविधान से खिलवाड़ करने वाले लोग आज हमें ये बताते हैं, 10 साल तक इस देश में सुपर पीएम सुना, संविधान खतरे में नहीं था, संविधान खतरे में था। और जिस समय देश की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी यूनियन कैबिनेट कोई प्रस्ताव पारित करती है और उसके प्रस्ताव को कोई कहे कि मैं पब्लिकली चीर के फेंक दूंगा, यह संविधान के चिन्ह उड़ाना है, यह संविधान खतरे में था। संविधान उनके जमाने में हमेशा खतरे में रहा है और हमने हमेशा संविधान का बचाव किया है। और मैं एक घटना याद दिलाना चाहता हूं सभापति महोदय, संविधान को इतना ही खतरे में नहीं डाला है। मार्च 2006 में केरल की विधानसभा में एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है जिसमें सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित होता है कि कोयंबटूर हमले के ब्लास्ट का मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी, जो तमिलनाडु के जेल में बंद है, उसे रिहा कर दिया जाए। और 117 के 117 विधायक, सारे कांग्रेसी सारे कम्युनिस्ट उसके पक्ष में वोट करते हैं। यानी एक आतंकवाद के आरोपी के पक्ष में विधानसभा का प्रयोग करना, यह संविधान खतरे में था। बीजेपी के राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने कांग्रेस को निशाने पर लिया कि राधा मोहन ने कहा है कि कांग्रेस का विश्वास लोकतंत्र में नहीं है। कल महामहिम ने कांग्रेस पर इतना बड़ा आरोप लगाया है, आज हिम्मत है तो राहुल गांधी उसी पर पहले चर्चा करें। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभिभाषण पर चर्चा बाद में हो, पहले नीट पर चर्चा होनी चाहिए, छात्रों के भविष्य का सवाल। देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस का इतिहास है, ये अराजकवादी तत्व है, लोकतंत्र में इनका तनिक भी विश्वास नहीं है और संवैधानिक व्यवस्था में तो है ही नहीं। कल महामहिम का अभिभाषण हुआ है, इतने महत्वपूर्ण विषय उन्होंने उठाए हैं, कांग्रेस पर स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने 1975 में इमरजेंसी ला करके लोकतंत्र की हत्या की। अगर नैतिक बल है राहुल गांधी के पास, अगर नैतिक बल है भी कांग्रेस के पास, तो चर्चा उनको इसी पर करनी चाहिए और सिद्ध करना चाहिए कि ये आपातकाल लगाना गलत था या सही था। क्योंकि आज मैंने जयराम रमेश का ट्वीट देखा है, उन्होंने लिखा है कि हमने तो आपातकाल संवैधानिक तरीके से लगाया था, तो वो तो खुलेआम आज भी आपातकाल का समर्थन कर रहे हैं। तो इसी पर चर्चा करा ले, हिम्मत हो तो, राजनीतिक रूप से अगर ईमानदार हैं और किताब लेकर के एक फर्जी संविधान करते हैं तो क्यों नहीं उसी पर बहस करा लेते, हिम्मत हो तो करा ले। वो बहस से भाग रहे हैं इस बात से कि संविधान का हत्यारा कांग्रेस है या कोई और दल है, वो जानते हैं कि जो ही इस मुद्दे पर बहस करेंगे उनका इंडिया का ठगबंधन टूट जाएगा, आधे लोग उनसे अलग हो जाएंगे, सब उन्हें लोकतंत्र का हत्यारा मानते हैं, आज मजबूरी में कुछ कारणों से उनके साथ खड़े हैं। तो मैं उनको चुनौती देता हूं, नीट एक एग्जीक्यूटिव समस्या है, आपातकाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक समस्या है, संविधान की हत्या की गई है कांग्रेस के द्वारा, आए उस पर खुलकर बहस करें, हम लोग जवाब देने को।
एसपी सांसद राजीव राय ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि देश के नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ किया गया हम उसको लेकर चर्चा चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चे पढ़ें। पोल खुल गई विकास की पूरी तरीके से, एक ड्राइवर की मौत हो गई, कैसे देखते हैं आप इस घटनाक्रम? सरकार हर जगह लीक हो रही है, कल तक पेपर लीक की बात कर रहे हैं, आज छत लीक हो रहा है, एयरपोर्ट लीक हो रहा है, राम मंदिर का टेम्पल राम मंदिर लीक हो रहा है, पार्लियामेंट लीक हो रहा है। जो सरकार लीक करने में माहिर है उस सरकार को जाना चाहिए। सरकार की कोई भी ऐसा काम नहीं है जिससे हम और आप अपने को गर्वान्वित और सुरक्षित महसूस करें। देश के नौजवानों के साथ, बच्चों के साथ जो खिलवाड़ करने वाली सरकार है, इस सरकार को डर है कि कोई नौजवान, कोई हमारा बच्चा पढ़ लिख कर आगे न बढ़ जाए, क्योंकि पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएगा तो समझदार बन जाएगा और इनकी पोल खोलने लगेगा, इनसे सवाल करने लगेगा और इस सरकार को सवाल पसंद नहीं है। लखनऊ में अखिलेश यादव की बधाई वाली होर्डिंग लगाई गई है। इस होर्डिंग में अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बनाया गया है। पोस्टर में लिखा सबके अखिलेश, भावी प्रधानमंत्री अखिलेश। एसपी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाकर अखिलेश यादव को बधाई दी। 1 जुलाई को अखिलेश यादव का जन्मदिन है। समाजवादी पार्टी विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी है। पार्टी अवधेश प्रसाद की बेटी को मिल्कीपुर से टिकट दे सकती है। वहीं लालजी वर्मा की बेटी को भी टिकट देने की तैयारी कर रही है। लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को कटेरी सीट से टिकट मिल सकता है। वहीं अमरनाथ मौर्य को एसपी फूलपुर से प्रत्याशी बना सकती है। मैनपुरी की करहल सीट से तेज प्रताप को टिकट मिल सकता है। बीते लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा उपचुनाव को जीतने की तैयारी में जुट गई है, जिसके तहत समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ यानी कांग्रेस के साथ पीडीएफ फार्मूले के तहत अपने उम्मीदवारों के नाम का जल्द से जल्द ऐलान कर सकती है, जिसके तहत बीते दिनों हुए लोकसभा चुनाव में 9 विधायक चुनकर संसद गए हैं, जिसके चलते उनकी 9 सीटें खाली हुई हैं और कानपुर के सीसामऊ से विधायक इरफान सोलंकी को हुई सजा के बाद उनकी सीट खाली हुई है, यानी कि 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव कराए जाने हैं। ऐसे में करहल से जहां समाजवादी पार्टी तेज प्रताप यादव को अपना उम्मीदवार बना सकती है, तो वहीं दूसरी ओर अंबेडकर नगर के कटहरी से सांसद लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है और अयोध्या से सांसद बने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत कुमार को मिल्कीपुर विधानसभा सीट से उतारा जा सकता है। साथ ही साथ 10 जो सीटें थी उनमें से 5 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, 4 पर बीजेपी की जीत हुई थी और 1 आरएलडी के पास थी। ऐसे में कांग्रेस भी ये चाहती है कि उसको भी इन 10 सीटों में से कुछ सीटें मिले, तो अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच किस तरह से बात बनेगी। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फार्मूले के तहत जल्द से जल्द नाम का ऐलान करने वाली है और वो कोशिश करेगी कि कांग्रेस को भी कहीं न कहीं इसमें शामिल किया जाए। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ राजीव प्रताप सिंह, News18 लखनऊ। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।